आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए बाल्को के संयंत्र 2 में संयंत्र स्तरीय आपातकालीन पूर्वाभ्यास किया गया। इसके अंतर्गत अग्निशमन, जीवन रक्षण प्रणाली और कर्मचारियों की दुर्घटना संबंधी जागरूकता का जायजा लिया गया। बाल्को संयंत्र 2 में आयोजित पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का संचालन मुख्य नियंत्रकों ने की, जबकि स्थायी रूप से नामित सहायक नियंत्रक एवं आपातकालीन दल के सदस्यों ने मुख्य नियंत्रकों की मदद की। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए संयंत्र 2 में अनेक समूह बनाए गए हैं, जिनमें औद्योगिक सुरक्षा, प्रशासन, मानव संसाधन, अग्निशमन एवं बचाव, संचार, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्टिंग, ऑक्सिलरी, मेंटेनेंस, ऑटोबेस आदि इकाइयों एवं निजी सुरक्षा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा संपूर्ण पूर्वाभ्यास की समीक्षा के लिए आपातकालीन नियंत्रण केंद्र, अस्पताल, सुरक्षा द्वार, अग्निशमन केंद्र, असेंबली केंद्र आदि स्थानों पर स्वतंत्र अवलोकनकर्ता तैनात थे। पूर्वाभ्यास के दौरान अग्निशमन कर्मियों ने मल्टीपर्पज फायर टेंडर, फोम ब्रांच, वाटर स्प्रिंकलर, फायर प्रॉक्सिमिटी सूट आदि अत्याधुनिक अग्निशामक उपकरणों के साथ आग पर काबू पाने और अग्नि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए अभ्यास से पूर्व एवं उसके बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक भी हुई। और सर, इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल हम लोग इसलिए करते हैं कि इसमें हम अपने जितने भी फैसिलिटीज होते हैं, जैसे इमरजेंसी फैसिलिटीज में, जैसे कि इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर होते हैं, असेंबली पॉइंट्स, इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फायर इक्विपमेंट्स, साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम और रिलायबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम। साथ ही साथ इन रिहर्सल के बाद हम लोग एक इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को अपॉइंट करते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस रिहर्सल के दौरान क्या क्या कमियां रह गई और उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एक अप्रूव्ड है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, और इसमें कई सीनेरियोज ऐसे हैं जिससे कि L2 लेवल का इमरजेंसी हो सकता है। तो इस बार हमने GAP के पीस टैंक एरिया में एक फायर टैंक फायर का हमने इमरजेंसी दिया था, और हमने इसमें टेस्ट किया कि हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, हमारे फैसिलिटीज़ हैं, या जो कुछ भी इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड हमारे प्रोसेस और सिस्टम हैं, उनका फंक्शन हो रहा है, उनका इफेक्टिवनेस कितना है। इस दौरान हमने इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया। इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में सारे इमरजेंसी फ़ोन लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन नंबर हैं, इमरजेंसी के समय में किन लोगों का कौन सा दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, और सारी चीज़ डिफाइंड है। और जो इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के जो इंचार्ज होते हैं, वो मेन कंट्रोलर यानी चीफ इमरजेंसी कंट्रोलर कहते हैं, जो कि प्लांट हेड होते हैं। तो हमने इस बार जो L2 लेवल का इमरजेंसी करवाया था, जिसमें कि टॉप लेवल से लेके और वर्कर तक एक 3 लेवल ट्रेनिंग हमने दिया था।